हेलो दोस्तों, रेखा स्पेशल किचन में आप लोग का स्वागत करती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आंवला का लड्डू। तो आंवला का लड्डू बनाऊंगी दोस्तों, इसको मैं अच्छे से धो ली हूँ। धोने के बाद में अभी मैं इसको बॉईल करने चल रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो बहुत मतलब ईजी तरीके से आप लोगों को दिखाऊँगी मैं। ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, ज़्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं रहेगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ। तो ये जो है मेरा टोक है, इसमें पानी रख ली हूँ और ये अपना एक स्टैंड है, ये इसमें डाल दूँगी। और ये मतलब चलनी है, मेरे पास ये नहीं है, इसके लिए मैं इसमें उबाल रही हूँ। ताकि पानी में उबालूँगी ना तो इसमें पानी चला जाएगा, तो इसको मतलब भूजने में बहुत टाइम लगेगा, पानी अंदर हिला रहेगा। तो ऐसे अगर उबालूँगी ना तो मेरा गैस भी कम लगेगा, अपना लड्डू भी हो जाएगा। तो कभी भी बनाना दोस्तों तो ऐसे ही बनाना, और बॉईल करना तो ऐसे ही करना। अभी मैं ये रख चुकी हूँ और नीचे मेरा पानी तो ऑलरेडी है। तो अभी मैं इसको अच्छे से ऐसे ढकूँगी और ऐसे गैस ऑन करके रखूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गैस मैं ऑन कर रही हूँ, गैस मेरा ऑन हो चुका है। अभी इसको कभी भी इसको बॉईल करना दोस्तों ना तो एकदम अच्छे तरीके से इसको कवर करना, ताकि भाप ना निकले। तो भाप निकलेगा तो मेरा आंवला जल्दी पकेगा नहीं। तो इसको सिर्फ मैं 10 मिनट पकाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, अभी मैं मतलब गैस से उतार ली हूँ। अभी मैं गैस बंद की गैस उतार चुकी हूँ। अभी मैं इसको देखने जा रही हूँ। तो ये देखो मेरा कितने अच्छे तरीके से हो गया है, फट गया है, बहुत देखिए फट गया है, हो गया है। तो अभी कभी भी उबालना दोस्तों तो ऐसे ही उबालना। तो ऐसे क्या है, इसमें पानी नहीं जाता है, तो भूनने में ना तो बहुत जल्दी मतलब कम गैस लगता है। तो कभी भी उबालना तो ऐसे ही उबालना दोस्तों। अभी मैं इसको निकाल रही हूँ, अभी ये ठंडा हो जाएगा। इसमें ऐसे पलटी कर दे रही हूँ, ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे तरीके से ये फूला हुआ है, मतलब ये हो गया है, अपना पक गया है, बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, इसको मैं निकालने जा रही हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से ये निकल रहा है, मतलब इतना इतना बढ़िया पका हुआ है ना कि पूछो ही मत। तो बहुत सुंदर पका है। तो अभी मैं इसको ऐसे निकाल रही हूँ, पूरा जब निकल जाएगा, और ये बिया सब अलग कर दे रही हूँ, सब निकल जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, अभी मैं इसका लड्डू बनाने के लिए ना ये हम मिक्सर में नहीं पीसूँगी, इसको मैं ऐसे करके ना, मेरा बहुत अच्छे से हो जा रहा है, तो मैं ऐसे ही इसको मसल दूँगी। तो जब मसल दूँगी ना तो भूनूँगी तो अच्छे से होगा। तो ज़्यादा ये मतलब मैं बहुत ईजी तरीके से बता रही हूँ कि कौन मिक्सर में पीसे, ये अपना फटाफट हो जा रहा है। तो मैं ऐसे ही लड्डू बनाने के लिए ना ऐसे ही मसल के ही बनाऊंगी, मिक्सर में पीसूंगी नहीं। मेरा हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, गैस मैं ऑन कर चुकी हूँ। ये मैं ना अपना गड़ी घी में भूनी हूँ, तो इसी में मैं अपना ये आंवला भूनूंगी। तो इसमें मैं एक चम्मच घी डाल रही हूँ। एक चम्मच घी डाल चुकी हूँ। अभी इसी घी में मैं अपना ये जो मेरा आंवला है उसे भूनूंगी। भूनने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि आंवला का लड्डू कैसे बनेगा। आंवला का लड्डू मैं बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ, बहुत जल्दी बनेगा और बहुत बढ़िया बनेगा। तो इसको भूनने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं इसको भूनूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और इसी में अभी मैं अपना शक्कर डालूंगी, तो दिखाती हूँ आपको। देखो दोस्तों, दो मिनट इसको मैं भून चुकी हूँ। अभी इसमें ना सिर्फ 2 ही मिनट भूनूंगी, क्योंकि ना पहले ये भूनूंगी, फिर चाय शक्कर डालने के बाद चाशनी भूनूंगी, तो मेरा गैस भी बहुत जाएगा। ऐसे में ये मेरा आधा किलो शक्कर है, आधा किलो मतलब आंवला था तो आधा किलो शक्कर तो पड़ेगा ही। तो मैं आधा किलो शक्कर डाल चुकी हूँ। अभी मैं इसको एकदम सीलो आँच में इसको गलाऊंगी। मेरा चाशनी जब गल जाएगा ना तो मेरा दोनों साथ में ही पकेगा, उधर चाशनी भी पक जाएगा, इधर आंवला का जो पानी है वो भी साथ में जलेगा, तो गैस का भी बचत होगा दोस्तों। तो कभी भी बनाना तो वैसे ही बनाना। अभी मेरा आँच जो है सीलो करके इसे भून रही हूँ। अभी मैं भूनूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, मेरा आंवला जो था
मेरा चाशनी मेरा बहुत सारा सूख गया है, दोनों साथ में मतलब सूख गया है। तो अभी मैं इसको, ये मेरा नारियल है, इसको मैं कद्दूकस से कस के घी में भूज के रखी हूँ। तो आधा बाटी इसमें नारियल डाल देने का। तो आप मतलब कोई सा भी मसाला डाल सकते हैं, मतलब जैसे काजू बादाम सब डाल सकते हैं। तो मैं जो है ना वो भी डालूँगी मसाला, अभी सिर्फ नारियल और आंवला की लड्डू बना रही हूँ, वो भी मसाला डालूँगी, लेकिन बाद में उतारने के बाद, अपना जब कढ़ाई उतार लूँगी ना तब मैं डालूँगी। तो कभी भी मतलब बनाना तो ऐसे ही बनाना, तो ये नहीं कि बहुत सारा मसाला रहेगा तभी लड्डू बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। जो घर में रहे उसी का बना दो, बहुत फर्स्ट क्लास एकदम बहुत मस्त लड्डू बनता है दोस्तों। तो अभी मैं इसको ऐसे भूनूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, ये मेरा हो गया है, मतलब ये ऑलरेडी मेरा हो चुका है, मतलब पक गया है। अभी मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। गैस बंद करने के बाद में ये जो है ये खसखस है और इलायची पाउडर है, तो इसको मैं कूट ली हूँ। कूटने के बाद में इसको मैं डाल दी हूँ। तो इसको ना गैस बंद करने के बाद में ही डालना, गैस चालू रहेगा ना तब मत डालना दोस्तों, क्योंकि ये मतलब वो गैस चालू रहेगा डालेंगे ना तो ये मज़ा नहीं आता है, वो खुशबू नहीं आता है। जो खुशबू गैस बंद करके डालोगे ना तो ये बहुत अच्छा मतलब बहुत टेस्टी लगता है। कभी भी डालना तो गैस बंद करके ही डालना। अभी मेरा गैस बंद है, इसको मैं उतारने जा रही हूँ। देखो दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको वो कर ली हूँ, मतलब मिला चुकी हूँ, बहुत बढ़िया मिलाई हूँ। तो अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा से, मतलब कि ये जो अपना है इसमें सब मसाला मैं कूट करके रखी हूँ, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, सब कूट करके मतलब कद्दूकस से कस के घी में भून के और कूट करके रखी हूँ। अभी मैं इसमें दो चम्मच ये डालूँगी। दो चम्मच डालने के बाद फिर इसको मैं अच्छे से मिलाऊँगी। मिलाने के बाद में फिर मैं इसको लड्डू बनाऊँगी ना, लड्डू बनाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, अभी मैं अपने मतलब ये कढ़ाई में से इसको निकालूँगी, मतलब लड्डू बनाने के लिए। तो अभी ठंडा होगा तभी मेरा लड्डू बनेगा। तो अभी ये ठंडा होगा, उसके बाद मैं लड्डू बनाती हूँ। तो दोस्तों ना, अगर मतलब मसाला आप डाल रहे हैं ना तो आपके ऊपर है कौन सा मसाला डालना है, कौन सा नहीं, काजू बादाम पिस्ता अखरोट मतलब कोई सा भी आप डाल सकते हैं। तो मैं मतलब सब मिक्स करके डाली हूँ, ये नहीं कि मतलब खाली बादाम पाउडर काजू बादाम मतलब काजू पाउडर डालो। जितना मसाला रहेगा आपके ऊपर है आप डाल सकते हैं, कम रहेगा तो कम भी, कम में भी लड्डू आंवला का बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो अभी ये ठंडा होएगा दोस्तों, ठंडा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, अभी मैं ये लड्डू बना रही हूँ। तो लड्डू मैं ना छोटा छोटा बनाऊँगी, तो ऐसे ही बनाऊँगी। तो कभी भी अगर बनाना ना तो अगर मतलब हाथ में चिपक रहा है ना तो थोड़ा सा घी लगा लेने का। तो मैंने घी लगा ली हूँ, घी लगा के बस छोटा छोटा बांध रही हूँ। तो आप अपने मतलब बड़ा भी बांध सकते हो, ऐसी बात नहीं है, चाहे छोटा चाहे बड़ा वो आपके ऊपर है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे करके गोला बना के अपना रख देने का, जब पूरा बन जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, आंवला का लड्डू मैं बना चुकी हूँ, मेरा आंवला का लड्डू बन चुका है। तो लोगों ने बना के लड्डू ना ये नारियल के मतलब बुरादा रहता है उसमें लपेटते हैं, तो मैं मतलब नारियल में लपेटी नहीं हूँ, इसको मैं ऐसे ही बना के रखूँगी दोस्तों। तो आप बनाना तो ऐसे ही बनाना, कितना मतलब मेरा ये कड़क है, मतलब एकदम नरम भी है और कड़क ही है, मतलब ये फैलेगा नहीं दोस्तों। तो मैं छोटा छोटा बनाई हूँ, तो आपके ऊपर है, छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ। तो बहुत स्वादिष्ट है आंवला का लड्डू होता है, ये गुड़ों का भंडार है दोस्तों, हर प्रोटीन इसमें मिलता है। तो आप बनाना तो आंवला का मतलब हर एक मतलब अलग अलग तरीके से ही बनाना। मैं कोई भी आंवले का डिश डाली हूँ ना तो अलग अलग तरीके से ही डाली हूँ। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। कमेंट में बताना कि मेरा ये रेसिपी कैसा बना हुआ है। थैंक यू।